पुलिस अधीक्षक जय यादव ने आज डडवाना थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीएलजी सदस्यों की बैठक लेकर सुझाव प्राप्त किए, साथ ही परिवादियों की समस्याएं भी सुनी। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक यादव ने थाने के स्वागत कक्ष, सुविधा डेस्क, मालखाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस थाने के उपस्थित एफआईआर क्राइम परिवादी रजिस्टर की जांच की। वहीं जनसुनवाई के दौरान अनेक प्रकरणों के पीड़िता और परिवादियों की समस्या सुनकर संबंधित जांच अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं, साथ ही समस्याओं का तत्काल निदान करने की हिदायत दी है। सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक में यादव ने अपराधों के रोकथाम के लिए जनता से सहयोग करने की अपील की, साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने, गश्त बढ़ाने सहित जरूरत बढ़ाने के सीएलजी सदस्यों से सुझाव प्राप्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक जय यादव ने कहा कि नागरिक पुलिस की आंख और कान है, अपराधियों को नियंत्रित करने में नागरिक पुलिस का सहयोग करे। उन्होंने कहा कि नागरिक सीधे पुलिस के संपर्क में रहे, कोई भी अपराधी पुलिस से नहीं बच सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, सोशल मीडिया पर पोस्ट कमेंट करने से पहले सोचे समझे और बिना मतलब की पोस्ट शेयर ना करें। साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूक रहें। उन्होंने बताया कि क्षेत्र हार्डकोर अपराधी की सूची तैयार कर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद एसपी ने पुलिस के साथ शहर में पैदल मार्च भी किया। इस दौरान कुचामन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्याम लाल, पुलिस उपाधीक्षक धर्म पुनिया, थानाधिकारी राजेश कुमार डूडी सहित अनेक लोग मौजूद रहे।